नमस्ते, उपस्थितों के नया वीडियो लेकर। देखिए, एक प्रश्न है कि केवाईसी कितने दिन में अपडेट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट है कहाँ पर। अगर आपका अकाउंट शहर में है तो आपका जो केवाईसी है बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि शहर के जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर कोई कंप्लेन कर देगा तो उन पर तुरंत एक्शन हो सकता है। लेकिन गाँव के जो कर्मचारी होते हैं बैंकों के, वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, क्योंकि गाँव के लोग अशिक्षित होते हैं और उस तरीका से वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी केवाईसी आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आपका वो केवाईसी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपका फॉर्म रख लेगा और बोलेगा कि ठीक है मैं कर दूंगा, दो तीन दिन में आपका अपडेट कर देगा। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आप केवाईसी करवाने जाएंगे वो कर्मचारी ही नहीं आया हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपका केवाईसी होगा जरूर। देखिए, अगर केवाईसी कितने दिन में होने की बात किया जाए, तो आपका अगर केवाईसी अगर वो चाहेंगे तो आपका तुरंत भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका 2 से 3 या 4 दिन जब भी उसको समय मिलेगा, अगर जो भी काम कर रहे हैं उसको काम करने के बाद जो भी समय मिलेगा उसके अंदर बाद आपका वो केवाईसी कर देंगे, लेकिन आपका केवाईसी जरूर हो जाएगा। तो इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि आपका केवाईसी कितने दिन में अपडेट हो जाएगा। जो ही अपडेट होगा तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, मतलब अपडेट हो जाने का, तो आप पता कर लेंगे कि मेरा केवाईसी हो गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि केवाईसी करवाने में कितना रुपया लगता है। देखिए, केवाईसी करवाने में कोई चार्ज नहीं लगता है, चाहे आप जहाँ कहीं भी केवाईसी करवाएं कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपसे चार्ज किया जाता है या आपसे पैसा मांगा जाता है, तो आप वहाँ पर जो बैंक के मैनेजर होते हैं या बैंक का जो शिकायत का एक पेटी होता है उसमें आप अपना कंप्लेन दर्ज करके आप उसमें डाल सकते हैं, या आप मैनेजर के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि जो मेरा केवाईसी है, केवाईसी करवाते समय मुझसे पैसा लिया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है कि केवाईसी कितना एज में होता है। देखिए, केवाईसी का एज का कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। आपको जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक निश्चित समय के अंदर आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। तो केवाईसी करवाने के लिए कोई भी एज का एक लिमिटेशन नहीं है कि आप इस एज के हैं तो आपको केवाईसी नहीं करवाने की ज़रूरत है। यही था 2-3 प्रश्न जिसके बारे में आप जानने के लिए इच्छुक होंगे। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।